गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू पिलर फंक्शन। और ये जो है आपका सी टेट और एच टेट का बैच है जो अभी शुरू हुआ है, और इसमें जो आपके जो सोशल स्टडीज की क्लास है वो रेगुलर होगी और वो होगी 9 बजे। तो जो स्टूडेंट्स नए हैं तो उनको जो है टाइम याद रखना, 9 बजे होती है मंडे टू सैटरडे क्लासेस होती है हमारे, संडे को छुट्टी होती है। और जो है मैं जो सी टेट में जो सोशल स्टडीज सब्जेक्ट आता है उसकी तैयारी करवाती हूँ, और एच टेट सोशल स्टडीज और एच टेट पीजीटी हिस्ट्री, हिस्ट्री का कोई भी एग्जाम्स हो उसके सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं यहाँ करवाती हूँ। तो स्टूडेंट्स रेगुलर रहिए। तो आज के जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस है प्रीवियस ईयर्स के भी हैं, तो मैंने आज हिस्ट्री और ज्योग्राफी के जो है क्वेश्चंस यहाँ पर इंक्लूड किए हैं जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है। तो कल मैंने कहा था कि कांग्रेस की स्थापना से पहले भी भारत में राजनीतिक संगठनों की स्थापना हो चुकी, तो उन्हीं में से एक जो है ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की कल बात की थी। तो इस प्रकार की ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी वाज फॉर्मड, तो एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चंस थे। तो अगर किसी स्टूडेंट्स को इसका आंसर पता है कि ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी का गठन क्यों किया गया था और कब इसकी स्थापना की गई थी, इन विच ईयर ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी वाज फॉर्मड, तो किसी को पता है तो स्टूडेंट्स उसका आंसर लिख सकते हैं चैट बॉक्स में। और अगर आपको इसका आंसर नहीं पता है तो उन स्टूडेंट्स के लिए तो इसका जो राइट आंसर है वो है 1839, इसी में जो है इसकी स्थापना की जाती है। तो इसका थोड़ा सा आपको जो है डिटेल देखनी पड़ेगी, तब जाके आपको ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी के बारे में समझ में अच्छे से आएगा। तो जो ये ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी है इसकी स्थापना जो है 1839 इसी में हुई थी, ये इम्पोर्टेंट है, इसका सन याद रखना। ये पहले एक सोसाइटी थी, ये बाद में जाके जो है 1851 में जो है राजनीतिक संगठन बनता है। ये पहले ये एक सोसाइटी थी, इसमें जो है भारतीय और जो ब्रिटेन के लोग थे दोनों इसमें मिलके जो इस सोसाइटी का निर्माण करते हैं, लेकिन 1851 में जाकर ये एक राजनीतिक संगठन का रूप ले लेता है। तो इसकी स्थापना किसने की थी, तो यह जो विलियम एडम है इसने इसको लंदन में स्थापित किया था, और ये राजा राममोहन राय के मित्र थे, और इन्होंने लंदन में जो है भारतीयों की जो समस्या थी लोगों की उनके बारे में ब्रिटेन के लोगों को अवेयर करने के लिए इस सोसाइटी की स्थापना की थी। और इसके साथ जो अन्य सदस्य थे वो जॉर्ज थॉमसन, विलियम एडनेस और मेजर जनरल ब्रिगेस शामिल थे। तो आपको ये भी याद रखना कि ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी जो है पहले इसकी स्थापना लंदन में की जाती है, और इसकी स्थापना करने वाले विलियम एडन थे, और साथ में जो इसके अन्य सदस्य थे वो जॉर्ज थॉमसन, विलियम एडनेस और मेजर जनरल ब्रिगेस थे। और लोग इसके जरिए जो है भारत में जो लोगों की बुरी दशा थी उसके बारे में जो है ब्रिटेन के लोगों को बताया जाता था। तो इस तरीके से ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी इम्पोर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, और बाद में ये जो है 1851 में जाके एक राजनीतिक संगठन बन जाता है जिसके बारे में मैंने आपको कल बताया था। तो नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स, तो ये कंटेंट इंग्लिश में है, जो स्टूडेंट्स इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए अपना नोट्स तैयार कर लीजिए स्टूडेंट्स, क्योंकि जो
ये क्वेश्चंस मैं आपको करा रही हूँ, ये एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस है, तो आप इनको नोट डाउन कर लीजिए। तो ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी वाज फाउंडेड इन लंदन बाय द एफर्ट्स ऑफ विलियम एडम एंड हु वाज वन ऑफ द राजा राममोहन रॉय फ्रेंड्स एंड ही हैड मीटिंग्स विद जॉर्ज थॉमसन विलियम एडम्स मेजर जनरल बर्गीस। तो दिस वर द मेंबर्स ऑफ दिस सोसाइटीज एंड दे टोल्ड पीपल अबाउट द पैथेटिक कंडीशन इन इंडिया। तो ये कंटेंट इंग्लिश में, इंग्लिश में स्टूडेंट्स के लिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। तो अंग्रेज और जो हैदर अली के बीच जो है 1767 टू 1769 में प्रथम मेशेरु का अंत होता है, तो ये कौन सी संधि से होता है? तो एग्जाम्स में इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे गए, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है। अक्सर जो है हैदर अली और अंग्रेजों के जो मिसर युद्ध है, हम यहाँ मैसूर युद्ध की बात कर रहे हैं, कि प्रथम जो मैसूर युद्ध है उसका टाइम पीरियड याद रखना 1767 टू 1769 तक जो है, ये 2 साल तक युद्ध चलता है हैदर अली और अंग्रेजों के बीच। तो द फर्स्ट मैसूर वार फाउट बिटवीन द ब्रिटिश एंड हैदर अली इन द ईयर ऑफ 1767 टू 1769 वाज एंडेड बाय विच ट्रीटी। तो यू हैव टू टेल द नेम ऑफ ट्रीटी बाय विच दिस वॉर एंडेड। तो किसी स्टूडेंट्स ने पढ़ा हो मैसूर युद्ध के बारे में तो उसको ये आंसर जरूर आना आता होगा, तो आप लिख सकते हैं। तो आप इसका जो है लिख सकते हैं। यस, लालजी वर्मा जो राजा राममोहन राय थे वो ब्रह्म समाज की स्थापना करते हैं 1828 में उन्होंने की थी। और जो है अब ये क्वेश्चंस का आंसर बताइए कि अंग्रेज और हैदर अली के बीच जो प्रथम मैसूर युद्ध होता है उसका जो अंत है किस संधि से होता है। अगर आपको आता है तो आप जो चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो जो मद्रास की संधि होती है उससे इस युद्ध की जो है समाप्ति होती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपको लिखना है। तो मद्रास की संधि के से ये है प्रथम जो मैसूर युद्ध हैदर अली और अंग्रेजों के बीच इस प्रकार से समाप्त हो जाता है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से एग्जाम्स में आया हुआ है, इस तरीके से आया हुआ है, आप इसको जो है अपना नोट करते जाना। तो 1767 में जो हैदर अली था वो एक शक्तिशाली राजा था और उसने जो है मैसूर को बहुत ही शक्तिशाली राज्य बना दिया था। पहला जो एंग्लो मैसूर युद्ध लड़ा गया था जिसमें हैदर अली ने क्या किया था, अंग्रेजों को हरा दिया था और उनके बीच जो मद्रास की संधि हुई थी और इस मद्रास की संधि से ही जो है प्रथम मैसूर युद्ध की समाप्ति हो जाती है और हैदर अली जो है पूरे कर्नाटक पर कब्जा कर लेता है। तो ये टाइम पीरियड याद रखना स्टूडेंट 1767 टू 69। तो ये है और मद्रास की संधि से समाप्त होता है। और क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि प्रथम जो मैसूर युद्ध होता है उसमें जीत किसकी होती है, तो उसकी इसमें जीत जो है हैदर अली की होती है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम्स में इस तरीके से पूछे गए हैं। तो ये कंटेंट इंग्लिश में है, तो जो स्टूडेंट इंग्लिश मीडियम के वो अपने इंग्लिश मीडियम में जो अपना बढ़िया नोट्स तैयार कर सकते हैं। तो मैसूर वाज ए पावरफुल किंगडम अंडर द हैदर अली इन 1767 एंड इन 1769 द फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर वाज फाउट इन विच हैदर अली डिफीटेड द ब्रिटिश एंड दिस वॉर एंडेड बाय द ट्रीटी ऑफ मद्रास एंड हैदर अली कैप्चर्ड ऑलमोस्ट द होल ऑफ द कर्नाटक। और ये भी क्वेश्चन एग्जाम्स में बहुत बार आता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये जो है इकोनॉमिक्स में भी पूछा जाता है और जो है ये हिस्ट्री में भी क्वेश्चन पूछा जाता है
कि भारत में जो है ब्रिटिश पूंजी निवेश की एकमात्र सबसे बड़ी वस्तु कहाँ थी, कि 1853 के बाद जो है जो अंग्रेज भारत में उस समय शासन कर रहे थे वो सबसे ज्यादा जो है इन्वेस्ट कहाँ पर करते थे। तो द सिंगल लार्जेस्ट ऑब्जेक्ट ऑफ ब्रिटिश कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन इंडिया बॉस, तो ये आपको बताना है कि वो कहाँ पर जो है करते थे। जो स्टूडेंट्स को इसका आंसर मालूम है तो वो चैट बॉक्स में इसका आंसर लिख सकते हैं। किसी स्टूडेंट्स को पता हो कि भारत में जो है ब्रिटिश पूंजी निवेश की एकमात्र कहाँ पर जो है ब्रिटेन सबसे ज्यादा भारत में निवेश करना पसंद करता था, क्यों करता था। द सिंगल लार्जेस्ट ऑब्जेक्ट ऑफ ब्रिटिश कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन इंडिया वाज रेलवे, क्योंकि रेलवे के जरिए अंग्रेज क्या करते थे, कच्चे माल को जो है भारत के अलग अलग जगहों से इकट्ठा करते थे कच्चे माल को, और जो है ब्रिटेन में वो माल जो है जहाज पोतों के जरिए जो है पहुंचाया जाता था। तो रेलवे के विकास में जो है ब्रिटेन के जो पूंजीपति थे उन्होंने सबसे ज्यादा है जो रेलवे में निवेश किया था, और रेलवे का विकास जो है 1853 में लॉर्ड डलहौजी के काल में किया जाता है। और इसका मकसद यही था कि भारत के जो अलग अलग जगहों को जोड़ना था रेलवे के जरिए, ताकि जो कच्चा माल है वो सस्ते दामों में खरीद कर ब्रिटेन में भेजा जा सके, और ब्रिटेन में उस समय जो है औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हो चुकी थी। तो इसलिए जो है रेलवे में सबसे ज्यादा जो है विस्तार किया गया था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, अक्सर एग्जाम्स में देखने को मिलता है। जो हिस्ट्री का पेपर होता है पीजीटी हिस्ट्री, असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री का कोई भी एग्जाम्स हो जिसमें हिस्ट्री आती है, उसमें जो है इस तरीके का जो क्वेश्चन है ये अक्सर एग्जाम्स में पूछा गया है। तो कि सबसे ज्यादा जो रेलवे में विकास, जो रेलवे में निवेश है, ज्यादा पैसा जो है ब्रिटेन के जो पूंजीपति थे वो क्यों लगाते थे, उसका कारण यही था। और यहाँ पे उनको ज्यादा जो है प्रॉफिट भी होता था, इसलिए सबसे ज्यादा निवेश यहीं पर किया जाता था। और भारत में जो है लॉर्ड डलहौजी का काल जो है सबसे जो लंबे समय तक जो भारत के गवर्नर जनरल रहे थे वो लॉर्ड डलहौजी ही रहे थे। सबसे लंबे टाइम तक भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी रहे थे, और उन्हीं के काल में जो है डाक घर का विकास हुआ था और रेलवे का विकास हुआ था लॉर्ड डलहौजी के काल में। और लॉर्ड डलहौजी के काल में ही 1857 में जो है तीन यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई थी, बम्बई, मद्रास, कलकत्ता में जो है लंदन यूनिवर्सिटी के आधार पर जो है भारत में भी यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाती है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चंस आपको याद रखने हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। स्टूडेंट्स आप इनके नोट्स तैयार कर लीजिए। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरीके का क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। जो स्टूडेंट्स आप अपनी अच्छी से तैयारी करना चाहते हैं वो अपना नोट कर लें इनको। नवंबर जो है 1781 में सर आयर कुट ने पोर्टो में किसको हराया था, अगर किसी स्टूडेंट्स को इसका आंसर आता है तो वो चैट बॉक्स में लिख सकता है। तो 1781 में जो है आयरकूट ने पोर्टो में किसको हराया था, इम्पोर्टेंट किस क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट्स जो है इसका आप जो है आंसर जो है लिख लीजिए कि पोर्टो में उसने, इसके पॉइंट्स हाईलाइट कर देते हैं। तो जो पोर्टोनोवा की लड़ाई है ये 1 जुलाई जो है 1781 को द्वितीय जो एंग्लो मैसूर युद्ध के दौरान हुई थी, ये इम्पोर्टेंट है। और ये मैसूर साम्राज्य और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच लड़ी गई थी, और सर आयरकूट जो थे वो ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना का नेतृत्व कर रहे थे, और उसने क्या किया था, हैदर अली को जो है हरा दिया था। उस समय जो है ब्रिटेन के पास सिर्फ जो है 8,000 संख्या में सैनिक थे, और जबकि हैदर अली की कमान के तहत 40,000 सेना, ऐसा अनुमान लगा जाता है। फिर भी जो है हैदर अली जो है मैसूर का जो भी दूसरा युद्ध होता है तो उसमें हार जाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो पोर्टोनोवा की लड़ाई जो है, पोर्टोनोवा में जो है
ये दूसरा युद्ध होता है मैसूर का 1781 में। तो पहला आपको याद होगा है मैसूर का युद्ध 1767, और जो दूसरा होता है वो 1781 में होता हैदर अली और आयरकूट के बीच होता है। तो ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप इसके जो है पॉइंट्स नोट कर लेना। ये स्टूडेंट्स इंग्लिश में कंटेंट है, जो स्टूडेंट्स अपने इंग्लिश में कंटेंट कर रहे हैं। तो द बैटल ऑफ पोर्टो नोवा वाज फाउट ऑन 1 जुलाई 1781 बिटवीन द फोर्सेस ऑफ द किंगडम ऑफ मैसूर एंड द ब्रिटिश इंडियन कंपनी इन द प्लेस कॉल्ड पोर्टो नोवा। द ब्रिटिश फोर्सेस नंबरिंग मोर देन 800 अंडर द कमांड ऑफ सर आयरकूट डिफिटेड हैदर अली। तो इस तरीके से जो मैसूर का दूसरा युद्ध होता है इसमें जो हैदर अली की बुरी तरीके से हार होती है। तो क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जाता है कि दूसरे मैसूर युद्ध में जो हैदर अली को किसने हराया था, तो वो आयरकूट ने हराया था। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इस तरीके से भी क्वेश्चन को घुमा के दूसरे तरीके से भी पूछा जाता है। निम्न में से किस अधिनियम को जवाहरलाल नेहरू ने दास्ता का चार्ट कहा था, ये पूछा गया क्वेश्चन है। दास्ता का चार्ट किसे कहा गया था, तो भारत सरकार अधिनियम 1935 को कहा गया था। जवाहरलाल नेहरू ने जो है दास्ता का चार्ट कहा था भारत सरकार अधिनियम 1935 को। हालांकि जो भारत का संविधान जब तैयार किया जाता है तो उसमें जो बहुत सी बातें हैं, जो प्रोविजंस हैं, वो इसी से लिए गए हैं। भारत सरकार अधिनियम 1935 की जो बहुत सारे जो विशेषताएं थी वो जो है भारतीय संविधान में देखने को मिलती हैं। और ये अधिनियम बहुत ही लंबा दस्तावेज, बहुत ही लंबा था। तो दिस इज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विच आर एक्सड इन एग्जाम्स। और निम्नलिखित चोल शासकों में किसने एक ने रामानुज को जो है सताया था और उसे अपने राज्य से बाहर कर दिया था, तो वो कुलोत्तुंग प्रथम था जिसने कि रामानुज था जो भक्ति आंदोलन से जुड़े हुए हैं, और इसने जो है दक्षिण भारत में रामानुज भक्ति आंदोलन का प्रचार करते हैं, और जो कुलोत्तुंग प्रथम है इसको जो है अपने राज्य से बाहर कर देते हैं। तो ये स्टूडेंट क्वेश्चंस को नोट कर लेना स्टूडेंट्स। तुर्की अपने साथ जब भारत पर तुर्कों का आक्रमण होता है तो अपने साथ जो है रबाब और सारंगी जो है भारत को ये देन है तुर्की लोगों की। जब तुर्की लोग भारत में आते तो रबाब और सारंगी का संगीत वाद्य यंत्र भारत में लेके आते हैं। यस साहिब, जो आप पूछ रहे हो ये मैं सोशल स्टडीज के लिए भी क्वेश्चंस करा रही हूँ। जो हमारा सीटेट में सोशल स्टडीज सब्जेक्ट होता है उसमें जो है आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और जो आपका हिस्ट्री का सेकंड पेपर होता है, किसी भी पेपर दे रहे हो आप, चाहे हिस्ट्री का पीजीटी का दे रहे हो, असिस्टेंट प्रोफेसर, या नेट का पेपर दे रहे हैं, तो हिस्ट्री के जो क्वेश्चन एग्जाम से पूछे जाते हैं, तो ये सेकंड पेपर की तैयारी करवा रही हूँ मैं। लेकिन कुछ जो पेपर फर्स्ट पेपर में भी जो है हिस्ट्री के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो मेनली बट मेरा जो मेन फोकस है वो सेकंड पेपर की मैं यहाँ पर तैयारी करवा रही हूँ। आपका जो सी टेट सोशल स्टडीज सब्जेक्ट है, एच टेट का जो सोशल स्टडीज का सब्जेक्ट है, और हिस्ट्री का जो सेकंड पेपर होता है उसमें उसकी फोकस पूरा उसी पर है। यस रोहित, ये जो क्वेश्चंस मैं आपको करा रही हूँ ये एनसीईआरटी की बुक से करवा रही हूँ। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है और कुछ क्वेश्चंस जो है एग्जाम्स में पूछे गए हैं, किस तरीके से पूछे गए हैं, और यहाँ पर मैंने उनको इंक्लूड किया है। तो किसी स्टूडेंट्स का और कोई डाउट हो
तो जो नए स्टूडेंट्स आए हैं जिनको नहीं पता है, मैं उन सभी स्टूडेंट्स को बताना चाहती हूँ कि हमारे यहाँ अभी जो है ये नया बैच शुरू हुआ सीटेट सोशल स्टडीज, और जो एचटेट का है टीजीटी जिसमें सोशल स्टडीज सब्जेक्ट होता है, और पीजीटी हिस्ट्री जो हिस्ट्री के लिए पेपर देना चाहते हैं, हिस्ट्री के जो है लेक्चर बनना चाहते हैं या प्रोफेसर बनना चाहते हैं हिस्ट्री के लिए, तो वो है इस उसके लिए हम यहाँ पढ़ाया जा रहा है आपको। सेकंड पेपर पर है ये पूरा कंटेंट, सेकंड पेपर जो आपका होता है सोशल स्टडीज और हिस्ट्री का जो सेकंड पेपर होता है, यहाँ उसकी तैयारी करवाई जा रही है। और जो मैं आपको जो अभी एमसीक्यू क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवा रही हूँ, ये जो पिछले साल के एग्जाम्स होते हैं प्रीवियस ईयर्स एग्जाम्स में पूछे गए जो क्वेश्चंस होते हैं, वहाँ से मैंने है आपके लिए जो है ये लेके आई हूँ। ये क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे गए हैं तो मैं उनकी प्रैक्टिस करवा रही हूँ यहाँ पर आपको। अगर किसी स्टूडेंट्स को कोई डाउट है, कुछ और पूछना चाहते हैं, उनको कोई है कि अभी भी पता नहीं चल रहा हो कि क्लासेस, तो वो पूछ सकते हैं। अगर किसी स्टूडेंट्स का कोई और डाउट रहता है दे कैन एस्क। ओके, चोल ग्राम प्रशासन में कौन सी प्रथम सभा थी? तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ही मैं करवा रही हूँ। उर जो थी उस समय जो है ये प्रथम सभा कहलाती थी। तो स्टूडेंट्स आप इनको नोट कर लेना क्योंकि ये क्वेश्चंस आपको नहीं देखने को मिलेंगे। इम्पोर्टेंट उर जो थी, तो चोल ग्राम प्रशासन में जो प्रथम सभा थी वो उर कहलाती। और निम्नलिखित में से किसने जो है गुप्तों के बाद गरुड़ को जो है राजवंश के प्रतीक के रूप में इस्तेमाल किया था? तो गरुड़ का जो राज चिन्ह था वो था राष्ट्रकूट का। और ये भी पूछा जाता है एग्जाम्स में, जो चोल शासक थे वो कौन से धर्म को अपनाते थे, वो जो है किसकी पूजा करते थे? तो मोस्टली आपको पता होगा जो राजा जो जो शासक हुए थे ज्यादातर वो जो है शिव जी की पूजा करते थे, तो वो सभी जो है उन्होंने शिव मंदिर ही ज्यादा बनाए हुए हैं। तो इस तरीके से आप जो है जो तंजोर में मंदिर बनाया गया है वो तो वो शिव जी का ही मंदिर है। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं जो चोल शासक थे उन्होंने ज्यादातर जो है शिव मंदिर बनवाए हैं, तो वो आमतौर पर जो है शिव भक्त थे। तो चोल शासक जो है आमतौर पर शिव भक्त थे। इस तरीके से क्वेश्चंस एग्जाम से में पूछे गए हैं। आशुतोष त्रिपाठी, यस मैं हर रोज जो है एक टॉपिक अलग पढ़ा, एक नया कंसेप्ट आपको करवाती हूँ। अभी मैंने कल भी एमसीक्यू क्वेश्चंस कराए हैं, आज भी मैं एमसीक्यू क्वेश्चंस करवा रही हूँ जो एग्जाम्स में पूछे गए हैं। और जिन स्टूडेंट्स ने प्रीवियस क्लास नहीं देखी है तो वो देख लीजिए, क्योंकि उसमें भी मैंने वहाँ पर आपको कंसेप्ट के जरिए जो समझाया है, एमसीक्यू क्वेश्चंस वहाँ साथ के साथ बताया, तो वहाँ पे आप देख सकते हैं। प्रीवियस क्लासेस 46 क्लासेस हो चुकी हैं, अभी जो नया बैच हमारा शुरू हुआ है इसकी जो है 46 क्लासेस हो चुकी हैं। और उसमें जो है आपका पूरा अच्छे से जो हिस्ट्री का जो सिलेबस होता है, जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए एग्जाम्स में पीजीटी हिस्ट्री में, यूजीसी एनटी नेट हिस्ट्री में, तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा। और पूरा आपके लिए हिस्ट्री का हो गया है उसमें। उसके बाद वहाँ पर आपको जो है सिविक्स की भी क्लासेस देखने को मिलेंगी, इकोनॉमिक्स की, और जो ज्योग्राफी की भी क्लासेस आपको वहां देखने को मिलेंगी। तो अभी सभी को याद हो गया होगा साथ साथ में कि जो चोल शासक थे राजा राजेश्वर जो पहले थे, राजेंद्र प्रथम, ये सभी ने जो है शिव मंदिर बनवाए थे। तो भारत सरकार का जो अधिनियम था 1935 में जो है उसमें से तो 1950 में जो है भारत के संविधान में शामिल किया गया है। तो
कौन सा प्रावधान था जिसको जो है 1950 में जो भारत का संविधान लागू होता है तो उसमें शामिल किया जाता है। तो आपकालीन जो प्रावधान था वो 1935 का जो भारत सरकार अधिनियम है उसमें देखने को मिलता है। रोहित फर्स्ट के लिए भी यस, जो सीटेट का फर्स्ट पेपर होता है उसके लिए भी आप टाइम टेबल देख सकते हैं। उसके लिए भी हमारी क्लासेस अलग अलग टाइम पे होती है, 10 बजे मैथ की होती है और इस तरीके से अलग अलग टाइम है जो फर्स्ट पेपर का होता है। हिंदी आती है, इंग्लिश आती है, मैथ रीजनिंग आती है, उनसे भी क्लासेस का टाइम जो है अलग अलग है, तो वो आप देख सकते हैं। मैंने जो स्टार्टिंग में आपको दिखाया था कि जो फर्स्ट पेपर में हिंदी आती है तो इंग्लिश आती है, उनका जो टाइम टेबल है वो अलग है। यहाँ पर मेरा पूरा फोकस जो सोशल स्टडीज और हिस्ट्री के सब्जेक्ट पे है यहाँ पे। तो आशुतोष, आप सोशल स्टडीज सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं सीटेट में या फिर पीजीटी हिस्ट्री की तैयारी कर रहे हैं? तो जो भारत सरकार का अधिनियम था 1935 में जो आपकालीन प्रावधान था उसे ही भारत के संविधान में शामिल कर लिया गया है। तो किसने जो है भारत सरकार का अधीन, जिसने भारत सरकार पर सर्वोच्च नियंत्रण के लिए जो है भारत में जो एक राज्य सचिव का एक नया पद जोड़ा जाता है, तो ये भारत सरकार अधिनियम जो 1858 में आया था, तो इसका राइट आंसर मैं आपको बताती हूँ। ये है भारत सरकार अधिनियम जो 1858 में आया था आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857 के बाद जब आता है, तो इसमें ये था। तो इसमें क्या किया जाता है कि भारत में जो जो भारत सरकार पर जो है नियंत्रण रखने के लिए जो है एक राज्य सचिव का पद जोड़ दिया जाता है, और ये जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट जो ब्रिटेन में जो पार्लियामेंट थी उनको रिपोर्ट देता था कि भारत में किस प्रकार का जो है शासन चलाया जा रहा है। तो एग्जाम से क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में जो है एक राज्य सचिव का जो पद जोड़ा गया था और उसका कार्य था भारत सरकार पर नियंत्रण रखना, उसको कंट्रोल में रखना। तो इसकी जो शुरुआत है भारत सरकार अधिनियम 1858 में की गई थी। अब ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा तट भारत में सबसे बड़ा ज्वारीय ऊर्जा उत्पादक क्षेत्र है? तो विच ऑफ द फॉलोइंग कोस्ट इज द लार्जेस्ट टाइडल एनर्जी प्रोड्यूसिंग रीजन इन इंडिया? किसी स्टूडेंट्स को अगर इसका आंसर आता है तो दे कैन राइट द आंसर इन द चैट बॉक्स। ओके सी टैट। और आशुतोष, कौन से सब्जेक्ट की आप जो सी टैट में तैयारी मतलब है, आपका सोशल स्टडीज सब्जेक्ट है, सेकंड पेपर की मैं बात कर रही हूँ। तो ये ज्योग्राफी से क्वेश्चन है कि जो एग्जाम से पूछा जाता है कि भारत में जो कौन सा तट है भारत में जो सबसे बड़ा जो है ज्वारीय ऊर्जा उत्पादक क्षेत्र है। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको आंसर आता है तो आप चेक बॉक्स में लिख सकते हैं। तो खंबात जो तट है वो भारत में जो है सबसे बड़ा ज्वारीय ऊर्जा का उत्पादक वहाँ सबसे ज्यादा होता है। तो ये जो है आप इसका आंसर लिख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। तो भारत सरकार के अनुसार जो है देशों में जो है भारत में जो है 8000 मेगावाट ज्वारीय ऊर्जा की क्षमता है और जिसमें से 7000 जो है खंबात तट ये गुजरात में है, यहाँ से प्राप्त होता है। तो इसका जो राइट आंसर खंबात तट से जो है भारत में सबसे ज्यादा जो है ज्वारीय ऊर्जा जो है उत्पादक क्षेत्र है खंबात तट, और ये गुजरात में है।
भारत में जो पहला परमाणु संयंत्रण कहाँ स्थापित किया गया था? तो वेयर वॉज द फर्स्ट न्यूक्लियर प्लांट सेटअप इन इंडिया? तो इसका राइट आंसर है तारापुर, महाराष्ट्र में जो है इसको स्थापित किया गया था, और इसके जरिए जो है बिजली का उत्पादन किया जाता है। आशुतोष, आप सी टेट के पेपर सेकंड की बात कर रहे हैं, सोशल स्टडीज की बात कर रहे हैं। अगर सोशल स्टडीज में बात करूं तो जो सी टेट में आपका सेकंड पेपर सोशल स्टडीज है, तो उसमें जो आपको हिस्ट्री भी पढ़ना पड़ेगा, ज्योग्राफी भी, इकोनॉमिक्स भी पढ़ना पड़ेगा, और सिविक्स भी। उसमें जो है चार जो ये है सब्जेक्ट शामिल होते हैं सोशल साइंस में। ये चारों आपको अच्छे से पढ़ने पड़ेंगे, और आपको जो है एनसीईआरटी की बुक्स से बहुत ज़्यादा फायदा होगा। तो जो 9th और 10th की जो एनसीईआरटी की बुक्स हैं वो बिल्कुल आप अच्छे से पढ़ लीजिए सीटेट के लिए। सबसे पहले अच्छे से कंसेप्ट को समझिए, 9th और 10th की जो सोशल साइंस की जो बुक होती है आप उसको पढ़िए, और आपको ये चारों सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे। तो इससे आपका जो है सी टेट का जो पेपर है वो सेकंड पेपर के लिए मैं बात कर रही हूँ यहाँ पर, तो उसकी तैयारी आपकी अच्छे से हो जाएगी। सी टेट के फर्स्ट पेपर में भी ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कुछ ज्योग्राफी से आ गया, कुछ हिस्ट्री से, मतलब जो जनरल क्वेश्चंस आते हैं। वैसे अगर जनरल सी टेट का जो फर्स्ट पेपर होता है उसमें हिंदी भी आती है, इंग्लिश भी आती है, मैथ भी आता है, तो वो सब क्लासेस का टाइम मैंने स्टार्टिंग में आपको टाइम टेबल दिखाया था, तो वहाँ से आप नोट कर सकते हैं कि जो सी टेट का जो फर्स्ट पेपर होगा जिसमें हिंदी भी आएगी, इंग्लिश भी आएगी, मैथ भी आएगा, रीजनिंग भी आएगा, तो वो क्लासेस भी आपको देखनी पड़ेंगी फर्स्ट पेपर के लिए। तो ये मेरा सेकंड पेपर का है जो स्टूडेंट सी टेट सोशल स्टडीज के लिए तैयारी कर रहे हैं और हिस्ट्री के लिए। यस, इकोनॉमिक्स की भी मेरी क्लासेस हो चुकी हैं, और सिविक्स की भी आप जो है प्रीवियस क्लासेस मेरी देख सकते हैं। फिलर फॉर्म चैनल में जाके प्लेलिस्ट में आप वहाँ पर जो है इकोनॉमिक्स की क्लासेस और जो है स्पेसिफिक्स पे भी क्लासेस हो चुकी हैं। तो आप वहां से देख सकते हैं क्लासेस। किसी स्टूडेंट्स को और कोई डाउट्स हो तो वो पूछ सकते हैं अभी। तो ये क्वेश्चंस है, ये जो सीटेट का जनरल पेपर होता है उसमें भी अक्सर जो है ये क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं ज्योग्राफी के, और जो यूजीसी एनटी हिस्ट्री का पेपर होता है जनरल का, तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है। तो जो ये कुडन कुलम जगह है, ये परमाणु ऊर्जा संयंत्र भारत का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा केंद्र है ये, जो तमिलनाडु के तिरुनेलवेली जिले में स्थित है। इसको आप नोट कर लीजिए, इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है कि भारत का जो सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा केंद्र है वो कहाँ पर है, आप इस जगह को नोट कर लीजिए। कोडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट इज द लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर स्टेशन इन इंडिया, लोकेटेड एट द कोडनकुलम इन तिरुनेलवेली डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु। तो स्टूडेंट्स ये थे आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो किसी स्टूडेंट्स को कुछ और पूछना हो क्लासेस, मैं अभी यहाँ पे आपको बता देती हूँ कि किस तरीके से आप जो है प्रीवियस क्लासेस को आप जाके देख सकते हैं। तो आपको यूट्यूब पर जाना है, और यहाँ सर्च में यहाँ पर आपको सर्च में टाइप करना है फिलर फॉर्म चैनल यहाँ पर, और फिर आप जब इस चैनल पे जाओगे तो आपको यहाँ पर होम, वीडियोस, प्लेलिस्ट,
कम्युनिटी ये सब ऊपर दिखाई देगा। तो यहाँ पर आपको जो प्लेलिस्ट पे जाना है, यहाँ क्लिक करना है, तो यहाँ पर जो आपको जो है क्लासेस मिलेंगी देखने को, सीटेट की क्लासेस। वहाँ पर मेरी जो है 46 क्लासेस अभी हुई है रिसेंटली, 46 क्लासेस जिसमें मैंने आपको इकोनॉमिक्स, सिविक्स, ज्योग्राफी और हिस्ट्री का जो है क्लासेस ली है उसके ऊपर। तो यहाँ पर और जो है एनसीईआरटी पर है पूरा कंटेंट बेस्ड, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चंस जो है सीटेट में वहीं से पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले आपको जो है एनसीईआरटी के जो टॉपिक्स होते हैं उनको अच्छे से समझना है, कंसेप्ट को अच्छे से समझना है। तो प्लेलिस्ट में जाके आप यहाँ पर मेरी क्लासेस, आपको हर क्लासेस मिल जाएंगी सीटेट के लिए। तो यहाँ जाके आप वो है अपना जो जितना आप पीछे रहे हैं तो यहाँ से आप अपना सिलेबस कवर कर सकते हैं। योगेश, यस, ये क्वेश्चंस जो मैंने हिस्ट्री के करवाए हैं, ये आप हिस्ट्री की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चंस आते हैं यूजीसी इंटरनेट में। मैंने हर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, हिस्ट्री के जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे वो मैंने आपको यहाँ तक उनकी प्रैक्टिस करवाई है। तो ये क्वेश्चंस एग्जाम्स में आपको देखने को मिलेंगे। और जो ज्योग्राफी की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ज्योग्राफी पे भी मैंने क्लासेस ली हुई हैं, तो वो क्लासेस आपको प्लेलिस्ट में यहाँ पर मिलेंगे। अगर आप इकोनॉमिक्स के पेपर की तैयारी कर रहे हैं तो उस पर भी आप क्लासेस देख सकते हैं। अगर आप पॉलिटिकल साइंस, सिविक्स की तैयारी कर रहे हैं तो भी आप मेरी क्लासेस देख सकते हैं, यहाँ पर वो क्लासेस आपको मिल जाएंगी। और स्टूडेंट्स का कोई डाउट हो तो वो भी पूछ सकते हैं। अच्छा, प्रीवियस ईयर्स के एग्जाम्स इम्पोर्टेंट होते हैं, वो आपके जो आपको पिछले कम से कम 15 सालों के जो प्रीवियस ईयर एग्जाम के क्वेश्चंस होते हैं वो आपको देखने पड़ेंगे। भले एग्जाम का जो है सिलेबस वही रहता है क्योंकि हिस्ट्री सेम रहेगी, एंशियंट, मेडिवल, मॉडर्न, तो आपको जो है 15 सालों के क्वेश्चंस जो पिछले सालों के वो देखने पड़ेंगे हर एक क्वेश्चंस को, क्योंकि उससे रिलीवेंट होता है। अगर आपको पता है कि 1935 का जो अधिनियम है, इसको भारतीय संविधान बनाया गया, तो उसमें इसके जो भी कुछ प्रावधान थे वो उनको शामिल किया गया है, तो जो आपातकालीन प्रावधान था वो शामिल किया गया था। तो इस तरीके से जो रिलेटेड आप जब क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर्स एग्जाम के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हो तो आपका जो है साथ के साथ जो है कंसेप्ट भी क्लियर होता जाता है। इसलिए जो इनकी प्रैक्टिस करनी जरूरी होती है, क्योंकि जो आप एनसीईआरटी बुक्स तो पढ़ लेते हो लेकिन एग्जाम में जो एमसीक्यू क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो आप उनका जवाब नहीं दे पाते, क्योंकि आप जब पढ़ते हो तो आप उस ढंग से नहीं पढ़ते उस टॉपिक को कि एग्जामिनर किस तरीके से एग्जाम स्टेटमेंट चेंज करता है, किस तरीके से वो उसका पूछने का तरीका होता है। तो इसलिए जो सबसे पहले जो है प्रीवियस ईयर्स के जो एग्जाम से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनकी प्रैक्टिस इसलिए की जाती है, उनका मोटिव यही होता है एग्जामिनर के जो है माइंड सेट को समझा जाता है कि सीटेट में जो है एग्जामिनर इस तरीके से क्वेश्चंस पूछता है, तो इसलिए पहले उनको देखना चाहिए, उसके बाद हमें जो है अपने बुक्स पढ़नी चाहिए। तो फ़ायदा ये होता है प्रीवियस ईयर्स के जो एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको सॉल्व करने से ये बेनिफिट मिलता है। किसी स्टूडेंट्स का कोई और डाउट्स हो, किसी को और कुछ पूछना है तो वो पूछ सकते हैं। कल स्टूडेंट्स व्हाट्सएप नंबर पूछ रहे थे, तो ये व्हाट्सएप नंबर है, नोट कर लीजिए। अगर आपको और कोई जानकारी चाहिए अगर आपको, तो 8233651148।
ये स्टूडेंट्स, ये व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए, अगर आपको और कोई जानकारी चाहिए तो आप यहाँ से ले सकते हैं। आप व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल हो सकते हैं, हमारे टेलीग्राम चैनल्स को ज्वाइन कर सकते हैं, तो आपको जो है डिटेल में आपको समझ में आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स कल मिलते हैं 9 बजे, मैं आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कल फिर लेके आती हूँ 9 बजे। तो रेगुलर रहिए स्टूडेंट, जो रेगुलर रहेंगे उनकी अच्छे से तैयारी हो जाएगी, तो रेगुलर रहना ज़रूरी है।